सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज हम रिवासा गांव में मौजूद हैं और रिवासा गांव में एक छोटे से कार्यक्रम में काफ़ी संख्या में यहां पर लोग मौजूद हो गए। और ये देखिए पीछे संदीप एसडीएम के पीछे यहां पर ये जितने भी रिवासा गांव के युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, ये सारे के सारे आज यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर एक टी का प्रोग्राम था, चाय पानी का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था, लेकिन ये जो भीड़ है ये काफ़ी दर्शा रही है, दिखा रही है कि आपको किस तरह से जो लोगों का रुझान है, किस तरह से संदीप एसडीएम साहब के साथ जो है लगातार बढ़ता जा रहा है इनका कारवा। संदीप जी, जैसे एक छोटा सा कार्यक्रम और एक काफ़ी जो है जनसमूह आपके साथ जुड़ता चला जा रहा है और लगातार ये बता रहे हैं कि कोई किसी पार्टी से था, कोई किसी पार्टी से था, और ये सारे के सारे आपको समर्थन दे चुके हैं और यहाँ पर आपको सुनने के लिए पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए सैनी साहब, मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे पूरे रिवासा गाँव का जो हमारा पूरा परिवार है, जो परिवार के प्रबुद्ध जन आए हुए हैं, हमारा यूथ आया हुआ है, इनका भी सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतनी सर्दी थी सुबह, तो अभी थोड़ी देर पहले धूप निकली है, उसके बावजूद भी एक छोटी सी कॉल पे, एक छोटे से टी प्रोग्राम्स पे पूरा जनसमूह जो आया हुआ है वो सब बधाई के पात्र हैं। देखिए इससे ये दिखता है कि हर व्यक्ति इस बारी बदलाव चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है इस बारी ईमानदारी और सच्चाई का साथ दें, हर व्यक्ति चाहता है कि अपने महेंद्रगढ़ का विकास हो, अपना महेंद्रगढ़ वर्ल्ड पे टॉप का सिटी बने, हर व्यक्ति यही चाहता है। मैं बार बार हर यूथ तो खास तौर पे ही चाहता है कि यूथ जॉब्स करने जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई बावल जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, वहाँ पे यूथ को अगर 40,000 मिल रहे हैं, 50,000 मिल रहे हैं, यूथ ये चाहते हैं कि घर में ही हमें 20,000 रुपये मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि घर का खाना भी खा लें, माँ बाप की सेवा भी करें और जॉब भी कर लें अपना अपना साथ साथ। तो देखिए हर चीज़ ये जब भी होगी, सब ने समझ लिया है कि जब अपना जनप्रतिनिधि बेस्ट होगा, ऐसा जनप्रतिनिधि जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए हो, जो टोटली और टोटली अपना पूरा जीवन जनता को समर्पित कर चुका हो। सर, जैसे इस तरह के कार्यक्रम तो मैं कह सकता हूँ क्योंकि आपके पास शायद समय ही कम बचता होगा, क्योंकि ये लोग हैं ये इंतज़ार करते हैं कि भाई हमारे पास कब ऐसा चाय का प्रोग्राम रखा जाए। तो कुल कितने एक प्रोग्राम आप दिन में कर लेते हैं? सर देखिए सैनी साहब, लगातार चलता ही रहता है, कभी दिन में 3, कभी 4, कभी ये प्रोग्राम लगातार चल रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि हमारा जो परिवार है वो हमें अपने आप ही चाय पे इनवाइट कर रहा है, अपने आप ही हमें इन्विटेशन आ रहे हैं अब, क्योंकि हर आदमी चाह रहा है कि फटाफट जल्दी से जल्दी इलेक्शन आ जाए और अपना वोट कास्ट कर दें हम। ये भी सभी ये बात कह रहे हैं कि इस बारी ऐसी बम्पर जीत होगी, 1,00,000 क्रॉस करने का सबका मूड है यहाँ पे, पूरे महेंद्रगढ़ अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ मैं, तो क्योंकि सब ने देख लिया है कि कुछ भी तो नहीं हो रहा है, जो कि हमारी बेसिक नेसेसिटीज थी, जो कि हमारी मूलभूत सुविधाएं थी, जो 50 साल पहले हो जानी चाहिए थी वो आज तक पूरी नहीं हो पाई हैं, डेवलपमेंट तो कब होगा, ये सब देख रहे हैं। और हमने सबको एक ही बात बोला है कि बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, बेस्ट मैनेजमेंट, बेस्ट जेंडर इक्वलिटी, बेस्ट महेंद्रगढ़ चाहिए हमारे को, और बेस्ट महेंद्रगढ़ हम सब लोग इकट्ठा मिलकर बनाएंगे। तो सर, जैसे पहले भी आपने जैसे जब चुनाव की बात करें तो 2 महीने का समय आपको मिला था और 2 महीने में करीब 34,000 वोट आप लेके गए। और बात करें जैसे कई लोगों की एक शिकायत थी कि हमारे यहाँ संदीप एसडीएम जी नहीं पहुँचे, तो अब तो वो गिला शिकवा नहीं रहा होगा सर, वो तो चीज़ें दूर कर। सैनी साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2 महीने में सब जगह पहुँच नहीं पाए और जहाँ तक हमने टच किया उन सब ने हमें वोट डाला, क्योंकि 2 महीने में हमने काफ़ी मेहनत करी और जनता को थोड़ा सा भ्रमित कर दिया गया। अगर ये जनता को क्लियर होता कि 34,000 करीब वोट हैं तो ये वोट आपके ट्रिपल होने थे, तो इस बारी जनता को इस बात का एहसास है और जनता जब भी कह रही है, हमारा परिवार ये पूरा महेंद्र परिवार जब भी कह रहा है कि इस बारी हम 1,00,000 क्रॉस करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए यहाँ रिवासा गांव के काफ़ी लोग आपको पीछे दिखाई दे रहे होंगे, एक भाई रिवासा से ही हैं सर। हाँ जी। तो सर ये संदीप एसडीएम आज जैसे यहाँ आपके चाय का प्रोग्राम है यहाँ पर पहुँचे हैं, तो किस तरह से क्या समर्थन दिया है, क्या लोगों की सोच है यहाँ की? देखो जी, इससे पहले के ना विधायक है ना, दान सिंह भी बढ़ चुके हैं, रामविलास भी बढ़ चुके हैं, इन लोगों ने एक तो महेंद्रगढ़ में कोई कार्य नहीं करवाया, कोई विकास कार्य नहीं करवाया, इन्होंने महेंद्रगढ़ में खूब लूट खसोट मचा रखी है। तो हमें सबसे ईमानदार सच्चा संदीप लगा, इसलिए हमने संदीप को चुना है। तो ये जो कार्यक्रम एक चाय का था और ये तो काफ़ी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, तो एक ये क्या इशारा करता है? सभी लोग यही चाहते हैं कि हमें ईमानदार आदमी मिले, उन दोनों आदमियों से मिले इतने परेशान हैं वे कि उनको ईमानदार आदमी चाहिए, बढ़िया ईमानदार सभी लोगों को संदीप लगता है।
जैसे कई कई जैसे ऐसे नेता होते हैं ना, कोई किसी चीज़ का दिखावा करते हैं, कोई कहते हैं कि हमें इतने लोग जोड़ दिए, पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपके लोग भी संख्या कम नहीं है। बात करें अगर संदीप एसडीएम को ज्वाइन करने की, तो शायद ये अभी लोग ज्वाइन सब अब तो सर सारे बंदे पढ़े लिखे हो गए, सभी को ज्ञान हो गया, अभी दूसरी के मतलब के नब्बे काम नहीं आने वाले हैं, अभी खुद अपने वोट डाल लेंगे, सोच समझ के डालेंगे, ईमानदार आदमी बताएंगे, ईमानदार आदमी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए काफ़ी साथी हैं, ताऊ जी आपको दिखाई दे रहे हैं, भाई हैं, युवा साथी हैं, तो सर आप भी एक बार खड़े हो जाएं। क्या नाम है सर अपना? हरिओम नाम है। हरिओम जी इसी गांव से हैं सर? मैं इसी गांव से। अच्छा, तो ये छोटा सा चाय का प्रोग्राम था और ये काफ़ी जन समूह जो है संदीप एसडीएम को आज समर्थन देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। बिल्कुल। तो किस तरह से देखते हैं आने वाले टाइम में क्या रिकॉर्ड टूटने वाला है आपके बार में? यह आपके बार सर 1 लाख के ऊपर, 1 लाख प्लस करने वाले हैं। तो ये मतलब सभी जितने भी गांव के लोग हैं यहाँ पर, सभी ने यहाँ इनको समर्थन देने की बात कही है? हाँ सर, ये तो सिर्फ पता लग गया इनको, बस किसी ने बुलाया नहीं, अपने आप ही पता लग गया कि दर्शाएगा प्रोग्राम है, बस एक मैसेज पे ही पता लगने से आ गए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भी मैं अलग से कोई इनवाइट किया हो? इनवाइट वाला कोई काम नहीं था इधर। अच्छा, चलो ठीक है। तो ताऊ जी नमस्कार, क्या कहेंगे आज संदीप जी का प्रोग्राम है? मैं तो बोल नहीं सकूँ जी, मैं मन पढ़ा दी हूँ। अच्छा, ये और घटना इनसे नहीं, संदीप जी आए, इसके बारे में बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। अब की बार इन्हीं को ही नेता बनाना है? इन्हीं को। चलो, हाँ सर। अच्छा आप बताइए भाई साहब क्या कहेंगे? बढ़िया आदमी है जी संदीप एसडीएम जी, ईमानदार हैं, निष्ठा से काम करते हैं, ईमानदारी से, और अब की बार सभी गांव मस्ती सारा वोट संदीप जी साथ है, सारी इनके साथ रहेगी। हाँ जी। चलो, हाँ जी सर, कैसा लग रहा है आज प्रोग्राम? बहुत बढ़िया लग रहा है जी एकदम। तो आपने विचार सुने, कैसा लगा? विचार बहुत अच्छे हैं, विचार पहले सुने हैं हमने। अच्छा, इसीलिए कितने सालों से जुड़े हुए आप? हम तो पिछली योजना से जुड़े हुए इनके साथ। अच्छा, और अब की बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे? अब के रिकॉर्ड तोड़ेंगे, पिछली बार तो भ्रमित कर दिया था भाई संदीप के 15-20 हज़ार वोट है, 15-20 हज़ार लोगों को भ्रमित किया, नहीं तो पिछली बार जीत जाते, और अब की बार तो समय भी अब कई बार तो शोर जीतेंगे, शोर जीतेंगे बिल्कुल, बहुत रिकॉर्ड टूटेगा बिल्कुल, 1 लाख से ऊपर जिताएंगे और एसडीएम साहब को जिताएंगे। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे? अच्छा जी, जी अच्छा, बताइए आप भी साथ हैं इनके? बिल्कुल साथ हैं जी। तो कैसे क्या रहने वाला है आपकी बार? आपकी बार 1 लाख पास, बिल्कुल 1 लाख प्लस करवाएंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई आगे दबाव प्रेशर दे, कभी किसी के नहीं गांव में आ जाएं? सब पढ़े लिखे लोग आज के दिन, पहली बार नेता हमने देख लिए किसे हैं। अच्छा, तभी तो चुना है एसडीएम साहब को हमने, अभी सबसे बढ़िया अच्छा आदमी ईमानदार यही है, मतलब कोई भी आए अपने, कोई आओ और चीज कोई जाओ, डिगने वाले नहीं हो? नहीं बिल्कुल डिगने वाले कहाँ, हम तो वोट बनाएंगे, जो डिगा हुआ है उसको भी लाएंगे, को दो वोट जो डिगा हुआ है उसको भी लाएंगे, एक आदमी को दो वोट जोड़ने, एक प्लस जब होंगे 1 लाख प्लस? हाँ 1 लाख, हम तो पांच जोड़ने की कोशिश करेंगे, एक दो क्या। अच्छा, पूरे फिर तो 1 लाख से अधिक वोट हो जाएंगे सर, क्योंकि 33 बहुत अच्छा है, तो हमें तो 1 लाख से पार ही तो करना है, 1 लाख पार करना है आपको। हाँ। तो ये ठान लिया आपने? बिल्कुल ठान लिया भाई, नेता देख लिया पहले हमने। अच्छा, के काम के कैसा काम करी के करी से, तो हमने इनसे अच्छा कोई नजर नहीं आ रहा आपको? फिलहाल तो कोई नहीं आ रहा हमने भाई। अच्छा हाँ, चलो अब के एसडीएम साहब को बनाएंगे, इनका भी फिर आपके कार्यक्रम देख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? आपकी बार मौका देंगे जी एसडीएम साहब को, 1 लाख प्लस करेंगे। धन्यवाद। ये दिल की आवाज है? हाँ, दिल की आवाज है। चलो ठीक है सर, क्या कहेंगे जी? भाई साहब बोले, मेरा सगा भाई बोले, मैं नहीं बोलूँ। अच्छा, सगा भाई बोला वो सेम बात है सर। चलो एक ही बात है जी। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आज? सर जी एसडीएम साहब को बहुत अच्छे आदमी हैं, और इनको हम इस बार पार करेंगे, जो पिछली बार गलती हुई है ना उसको पे नज़र रखेंगे हम, जो गलती है उसको सुधारने की। हाँ, उसको पर नज़र रखेंगे पूरी तरह, और वो सर तक पहुँचाएंगे भी, अभी कैसे गलतियाँ हुई हैं वो देखेंगे इसको। मतलब वो बागडोर आपको अपने हाथ में? हाँ, पता चल रहा है हमें, बाद में पता चला, सर को अभी भी नहीं पता है, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे हम। चलो बहुत बड़ी बात है सर। हाँ जी सर, क्या कहेंगे बताइए? ये भाई कह रहे हैं वो सही है, सेम बात है। चलो आप। हाँ जी, राठी अच्छा बगावांगा, एसडीएम ने ले आवांगा, चंडीगढ़ गलवांगा, ठीक से। अच्छा, हाँ बात तो। क्या फिर बोलो, एक बार समझ में नहीं आया। राठी बादशे बगाएंगे, एसडीएम को लाएंगे, राठी बादशे बगाएंगे, एसडीएम को लाएंगे, चंडीगढ़ ले जाएंगे, चंडीगढ़ बैठाएंगे। हाँ, तो क्या किस तरह से प्लानिंग? अरे वोट ठोका गद्दा एसडीएम को ठोका है, वोट ठोका जब चंडीगढ़ पहुंचेगा। बिल्कुल, अभी ठोक ठोक के भर दोगे, ठोक ठोक के भर देंगे इनके मशीन पे, वो बटन जो है वो काम तो मेरे तो एक किसर दूसरा और ले आऊंगा ठोकुरे। बिल्कुल नु तोड़ेगा। सही बात है।
बहुत बड़ी बात है जी। ये देखिए हाजी सर क्या कहेंगे बताइए। इनके जी सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी। सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी जी। तो ये मतलब सभी लोग हम जब भी कहीं जा रहे हैं गांव में सभी कह रहे हैं कि अब की बार वो होगा जो कभी नहीं हुआ 40 साल पहले जो रिकॉर्ड है वो टूटने वाला। दिल में सब ने ठार ली सच्चाई और ईमानदारी की जीत होगी अब के एसडीएम साहब। मतलब वो बरकलाने वाली वो नहीं पूछने वाली बात बहलाने पोसाने में कोई नहीं आएगा अब वो नहीं चलने वाला। वो जीत चल ली है बहुत दिन हो। चलो हाजी सर बताइए क्या सहमत है के बादल जी बताइए। सहमत है रिवासा गांव में जब संदीप टीम का इलेक्शन के टाइम में पदोक्रम हुआ था तो हमने एक ऊंट पिलंग पे नचवाया था। तो आप की ये तमन्ना करते हैं कि हाथी को छात पे नचवाएंगे इलेक्शन इतना मोटा जिताएंगे हाथी छात पे नचेगा पिलंग पे नहीं नचेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर ठीक है। एक बार ये भी बता दीजिए क्योंकि सारे लोग हैं जितने भी हैं। हाँ सर आप भी बताइए सर क्या कहेंगे। बस नेता को एक ईमानदार नेता चाहिए था लोगों को और उसमें एसडीएम साहब है ईमानदार है और लोगों को पता लग गया कि जो पहले डकैत थे उनसे काफ़ी परेशान हैं उनको अच्छी तरह से जान गए कि ये डकैत ही है। तो अब की बार एसडीएम साहब को जिताएंगे। तो देखिए कई बार ना लोग मेरे ऊपर छीटा कसी करने लग जाते हैं। ये भाई को मैंने थोड़ी ना कहा था कि भाई ऐसे ऐसे बोलो तो ये तो एक अंदर की जो भावनाएँ हैं वो बता रहे हैं कि कौन लोग क्या था किसने क्या किया वो सारी बातें इन्हीं ने बताई है। जो इनकी पीड़ा थी इनका दर्द था वो बयां किया है और ये इसी दर्द को देख करके अब की बार महेंद्रगढ़ में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। और अब की बार इन्होंने कहा है कि दिल खोल के पूरे एसडीएम संदीप सिंह को जम के वोटिंग की जाएगी और 1,00,000+ जिताने का इन्होंने वादा किया है। तो मैं एक बार फिर इनसे सभी से एक बार हाथ खड़े करवाऊंगा क्योंकि एक बार सर एक बार ये करवा दे क्योंकि कई लोगों का मैंने इंटरव्यू नहीं किया। तो एक बार एक जो सहमति होती है इस तरह से बताइए कि कौन कौन लोग हैं जो समर्थन करते हैं आज समर्थन देने के लिए आए हैं संदीप एसडीएम को। तो देखिए ये सारे के सारे लोग हैं आप देख लीजिए। ये रिवासा गाँव का एक छोटा सा चाय का प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया था और यहाँ पर हाँ जी आ जाइए सर जो भी बातें अपनी बताना चाहते हैं बताइए सर। हाँ सर बताइए क्या नाम अपना। देख मेरा नाम भास्कर है जी। अभी एसडीएम साहब ने बताया था कि हमारा जो इलाका जो है बिल्कुल पिछड़ा हुआ इलाका है लेकिन मैं साहब को एक बात बताऊंगा कि नांगल चौधरी जो है वो हमसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ था लेकिन एक शिक्षित उम्मीदवार चुनने से आज नांगल चौधरी जो हमारे से आगे जा चुका। बिल्कुल ठीक है। देखिए जो आप जो अपनी जो बाटे तवीर उनके ऊपर लिखा हुआ कि सिस्टम को जानने वाला ही सिस्टम को बदल सकता है। भी यहाँ पे चाहते हैं महेंद्रगढ़ के अंदर कोई ऐसा ना हो आए लीडर हमारा ठीक है जो सड़कों के अंदर गड्ढे हुए हैं। आज जो नांगल चौधरी की हालत जो पहले थी पानी की वो धीरे 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 आज महेंद्रगढ़ के अंदर पैर पछाड़ चुकी है ठीक है। हमारे यहाँ पर पानी जो था पानी की जो सतर जो थी वो 160 फीट पर थी जी आज लगभग 350 फीट पर है। मेरे ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल और पानी चलेगा उसके बाद में नांगल चौधरी से बुरी हालत होने वाली हमारी अगर नेता नहीं बदले गए अगर दो के पीछे अगर जब ये पगड़ी बांध दी गई हमारे तो नेता यही है ठीक है। तो ये ऐसा ही चलता रहेगा। अब बदलाव की ज़रूरत है महेंद्रगढ़ को अन्यथा फिर प्रमाण आपके सामने होंगे जो होंगे वो ठीक है जी। धन्यवाद। आप भी बताना चाहेंगे जी कुछ। चलो हाँ एक देखिए एक साथी और उधर दिखाई दे रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। हाँ जी सर नमस्कार खड़े हो जाइए उधर मुँह करिए। हाँ जी क्या नाम है सर अपना। मेरा नाम विद्यानंद है जी। विद्यानंद जी, हाँ जी। बताइए क्या बताना चाहेंगे। हम एसडीएम साहब को यहाँ से जिता के भेजेंगे पूरे गांव के पूरे समाज इसको साथ है एसडीएम साहब के साथ मतलब पूरा समाज साथ है। हाँ जी चाहे वो महेंद्रगढ़ हो चाहे सतनाली हो किसी भी हो गांव गांव जाकर एसडीएम साहब की सपोर्ट करेंगे। अब की बार ये भी बता रहे हैं कि दूसरे विधानसभा के लोग भी काफी जोर लगाने की नहीं नहीं हम किसी का बैक हम नहीं आएंगे। अच्छा ना बिल्कुल हमने क्लियर शपथ ले लिया और एसडीएम साहब को ज्यादा से ज्यादा वोट जिता के यहाँ से भेजेंगे। चलो ठीक है सर धन्यवाद। तो देखिए आज हाँ जी सर आप भी बता दीजिए एक बार। ये एक सर्विस मैन है सर आप नहीं तो ये फौज की जो ड्रेस है ये तो वैसे पहरे के क्योंकि मैंने देखा कि जहाँ तक संदीप एसडीएम साहब के साथ जो है ना एक सर्विस मैन पढ़े लिखा तब का ज्यादा जुड़ रहा है। हाँ। तो वो भी मैंने देखा कि तो किसमें कोई सर्विस करते थे या फार्मर है फार्मर है। तो आप भी भाई एक किसान जो होता है ना सर देश के लिए काफी बड़ी एक कोई अनाज पैदा करने वाला होता है सभी का पेट पालने वाला है तो किस तरह से क्या देखते हैं। बिल्कुल साथ है साथ ही रहने बिल्कुल साथ है। चलो ठीक देखिए आज हम काफ़ी लोगों से हमने बातचीत करवाई आपको और इन्होंने बताया कि अब की बार रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होगी और पूर्व एसडीएम संदीप सिंह को अब की बार चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। तो इन्होंने हाथ उठा करके भी सहमति जताई है और यहाँ पर एक छोटा सा चाय का प्रोग्राम रखा था और चाय का प्रोग्राम क्या था ये तो पूरा एक गैदरिंग देखिए कितनी लोग हैं। ये सभी जो गांव के मेन मौजूद लोग हैं सरपंच साहिबान भी आपको देखे इधर दिखाई देंगे सारे जो बड़े जो तबका होता है बड़ा बुजुर्ग जो होता है पढ़ा लिखा जो तबका है वो आज संदीप एसडीएम
को यहाँ पर समर्थन देने के लिए इकट्ठा हुआ है। एक चाय का प्रोग्राम था, तो मैं तो ये कहूँगा जितने भी साथी इस खबर को देख रहे हैं आगे से आगे शेयर किया करें, जिससे कि ये मैसेज जो है पूरे महेंद्रगढ़ ज़िले में, पूरे महेंद्रगढ़ के हर उस गांव में पहुँचे, जिससे कि लोग जागरूक हों और जिससे अपना जो फैसला है वो जो वोटिंग के टाइम जो फैसला लेते हैं वो फैसला आप ले सकें। तो प्लीज़ ज़्यादा शेयर किया करें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।